इन पापड़ मैंने दोनों तरफ से तेल लगा के किया, और ये तो खा के देखती हूँ क्योंकि मैंने इसको ट्राई नहीं किया है। गुड मॉर्निंग। आज की छुट्टी जो है रागनी ना, बस समझो अपना मन तन को खुश करने के लिए बना रही है, मना रही है, और अपने टेस्ट बड्स को। तो समझ गई होंगी आज क्या इरादा है। आज मेरा इरादा नाश्ता करने का है, प्रॉपर नाश्ता जैसे इंडिया में करते हैं। सो यहाँ कभी कभी ऐसे भी करते हैं, आत्मा को तो रोज़ सुबह मेडिटेशन करके खूब खुश कर देते हैं। आज मैंने कहा आप थोड़ा इस दुनिया में रह रहे हैं तो थोड़ा दुनिया के बीच में रह के मन को तन को भी थोड़ा सा खुश करो। तो ये तेल देख रहे हैं और ये बेसन देख रहे हैं और समझ गए होंगे क्या इरादा है। यस, आज छोटे से फ्राई पैन में तेल रखा है क्योंकि ना फिर वो वेस्ट जाता है, तो अपने लिए ही करना है। तो थोड़ा तेल में करके और बेसन को लिया है। दो तरह की पकौड़ी खाने का इरादा है, आलू की ऐसी वाली गोल गोल जो मेरी माँ बनाया करती थी, और आलू को मैश करके बोंडा टाइप का राउंड, क्योंकि तेल इतना हाइट में नहीं है तो वो चलेगा नहीं, तो मैंने उसको फ्लैट कर दिया। सो अब ये दो तरह की पकौड़ियाँ मैं बनाने वाली हूँ। सो हियर, देखो देखो, सब लोग ललचाते हैं इंडिया से, कभी कभी हम भी ललचाएं उन्हें। ये गई एक पकौड़ी, ये गई पकौड़ी, क्या आलू गया। अभी तो भाई पकौड़ी तो जब बनेगी, जब बनेगी, अभी तो आलू बेसन गए हैं। दूसरा गया और तीसरा गया, चौथा डाल देती हूँ, देखूंगी एक बार में चार बन जाएंगे। यस, टेस्टिंग पार्टी हो जाएगी। बेसन अच्छा खासा फिट गया होगा जो फूल रही हैं पकौड़ियाँ। गुड फॉर मी। देखते हैं भाई उसकी अब हालत, ठीक ही लग रहा है मेरे को, देखते हैं। मिनट, हाँ ठीक है, फिर भी थोड़ा सा करारा कर ले सकती हूँ, भी करारी करारी पकौड़ी खा लो। गर्मा गर्म पकौड़ी फ्रॉम रागनीज किचन टू रागनीज माउथ। अच्छा जी, जब तक वो बनती हैं तब तक टेस्ट किया जाए भाई चटनी के साथ अपनी। ये वाले जो मैंने बनाए थे ना, ज़्यादा मज़ा नहीं आया क्योंकि अंदर आलू का टेस्ट था, और वो मैंने कोई उसको भूना नहीं था, कुछ नहीं था। तो अब मैंने क्या किया है, तीन थी ना, एक तो टेस्ट पार्टी हो गई, दूसरी को मैंने फिर क्या किया, इसको भी वही कर रही हूँ, ऐसे फ्लैट कर दिया। ये ठंडी हो चुकी है, तो मैंने टेस्ट किया ना आधी वाली को ऐसे करके, तो वो बेटर लग रही है, तो ऐसे पिचका दिया दोबारा से, फिर दोबारा से फ्राई कर दिया मैंने। दोबारा से फ्राई किया ना तो खा के भी देखा वो बढ़िया लग रहा है। इसको तो अभी डाला है मैंने, इसको पहले का डाला हुआ है, तो ये जैसे टिक्की करते ना वो लोग तवे पर, तो वो वाला हो जाएगा टेस्ट, तो बेटर लगेगा क्योंकि आलू अंदर का फ्राई नहीं हुआ था उसमें। वही ना, थोड़ा जल्दी वाला काम करते ना, तो कभी मैं ऐसे मैनेज कर लेती। आज तो था भाई, टेस्ट बड्स को भी खुश रखना है। कल रात यहाँ पे फोरकास्ट की थी तूफान की, बारिश की, तूफान की, और ये कि स्टॉर्म आएगा और लाइट भी जा सकती है। तो मैं तो सोच रही थी बहुत बुरा वेदर होगा, रात भर धूम धड़ाके होंगे सुबह भी, क्योंकि जब ऐसी तूफान की वो बात करते हैं तो यहाँ तो गार्बेज वगैरह बाहर होते हैं, सब उड़ता है इधर से उधर, गिरता है कहीं पे कुछ गिरेगा, और मतलब पेड़ वेड़ टूटते हैं, एंड देन कार भी ऐसी जगह खड़ी है तो उस पर कुछ गिर सकता है। पर आज तो सरप्राइज हो गया, सन निकला है, कोई बारिश नहीं, कुछ नहीं, बढ़िया वेदर। तो मैंने तो कुछ एनीवे इस बहाने रेस्ट भी करना था घर में, मेरे को पिछले हफ्ते भी रेस्ट किया। जब जब घर में रहेंगे तो फिर या तो काम करो, सफाई वफाई करो, या कुछ अपने नौकरी का काम करो, या कुकिंग करो। सो आज तो मैंने वही पकौड़ी बना के, अब कितने 11:30 हो गए, ब्रंच हो गया, सुबह बैठी ली थी बस मैंने, तो यही प्लान हुआ मेरा कि आज आराम से खाएंगे पियेंगे, कुछ वॉच करेंगे और कुछ बुक रीड करेंगे, मतलब चिल करेंगे रियल में। सो आज चिलिंग डे है मेरा। वाकई
ये मुंह जुबान टेस्ट पर जो ऊपर वाले ने दिए ना, इसी की लड़ाई है देखो तो जिंदगी में। इसी के लिए कमाते हैं, इसी के लिए सब कुछ करते हैं, लड़ते मरते जो भी कुछ कहो, बुरे शब्दों में अच्छे शब्दों में ये जीते हैं इसके लिए। अगर ये ना हो तो कुछ कोई काम ही नहीं करेगा, बैठा रहेगा। पर फिर वही है ना, साधु लोग बैठते हैं, सन्यासी लोग बैठते हैं, उन्हें इस टेस्ट का कहाँ होता है। फिर शायद भगवान प्राप्त भगवान में ध्यान लगाते हैं, अपने अंदर को पहचानते हैं। एक्चुअली अभी हम बाहर के उसमें लगे रहते हैं और खाने पीने में लगे रहते हैं, तो ये भी है जुबान दे के भगवान ने यही ट्रिक करी, हमको माया जाल में फंसाया है। मैं सोचती हूँ क्या चक्कर है, पूरी जिंदगी निकल गई, देखा ना क्या लड़ाई बड़ाई, ये लगे रहे सब, ये बच्चे बड़े हो जाए, पढ़ाई में निकल जाए, पढ़ाई होगी, नौकरी मिल जाए, नौकरी हो गई उनकी, अब जो है शादी हो जाए ठीक ठाक, अब सुखी जीवन बिताए, अब उनके बच्चे हो जाए, एक के बाद एक सब कुछ हो जाए, उसके बाद लगता है नाउ व्हाट। अगर ये सब नहीं होता तो भी आप थे नहीं, और हो गया तो भी आप यहाँ हैं। अभी तो लगता है कोई भी चीज़ होती, कुछ भी होता है, या जो भी कुछ लाइफ ने दिखाया, तो सुखी, व्हाट ए बिग डील। अभी तो वही लगता है, हाथी निकल गया, पूछ बाकी है। तो यह आजकल फिलोसफिकल माइंड बहुत चल रहा है मेरा। और 1.5 साल बाद देखो, व्हेन आई गेट फ्री फ्रॉम माय जॉब, कुछ जो भी अंतर हलचल हो रही है ना, उसको सुन के देखो क्या क्या होता है। पर लगता है कि कुछ है जो मेरे को करना है अभी। ये खजूर कोकोनट कवर खजूर है, ऊपर बादाम लगाया हुआ है, सो हेल्दी डेजर्ट, मिठाइयों से बेटर माना जाता है। सो कभी कभी ये भी खा लेते हैं। मिठाई को मेरे पापा कहते थे टोपी, टोपी लगानी है। वो रोज़ आई थिंक यूपी में होता है, अब बनियों में होता होगा, खाना खा लिया उसके बाद टोपी लगानी है। बड़े उससे बोलते थे अब टोपी लगानी है, मम्मी से पूछते थे किसकी टोपी लगाओगे, अगर दो मिठाई होती थी तो। मैं आपको भी एक और चीज़ दिखाती हूँ जो मैं अपने स्टाइल से बनाती हूँ, कहीं नहीं अपने, जस्ट ऐसे थोड़े दिन पहले आइडिया आया। कचौड़ी मैंने दिखाई नहीं, आई वाज सो बिजी, उसका भी मेरा अपना तरीका है। पर आज मैं आपको पापड़ दिखाती हूँ, बिना फ्राई किए हुए फ्राई वाले पापड़ का टेस्ट। कभी कभी मन करता है ना, फिर आलस आता है, क्या दो पापड़ के लिए तेल भरो उसको फ्राई करो। मेरे दिमाग में आया बल्ब जला, मेरे बल्ब जलते हैं, तो मैं अभी दिखाती हूँ मैं क्या करती हूँ। हाँ, तो जैसे पापड़ है ये, इस पर मेरे पास ब्रश नहीं है, क्या कह लो। तो आप कोई भी चीज़ से, जैसे मैं पेपर टॉवल लिया है, उसमें को ऑयल लेकर ऑयल, और इस पर ऐसे 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 रब कर दो, थोड़ा थोड़ा रब कर दे एक ही साइड में, एक साइड से भी काम चल जाता है, आप चाहो तो दोनों तरफ कर दो, पर मैं एक ही साइड में करके दिखाती हूँ। और माइक्रोवन में 1 मिनट में ये हो जाता है। आप जिसका माइक्रोवन नहीं है वो तवे पे भी कर सकता होगा, जो मैं अभी माइक्रोवन में करके दिखाती हूँ। रख दिए माइक्रोवन में मैंने, वो तेल वाला साइड ऊपर है, और अब इसको 1 मिनट के लिए, आज 2 बार जाता ना फिर नहीं होता, इसलिए मेरे को वो, हाँ अब फिर मैं दिखाऊंगी आपको जब ये हो जाएगा। को आधे टाइम में रोक कर और उसको पलटने वाली हूँ, तो ये देखो आप, ये हो गया ना, जस्ट देखो अब उसको निकालते हैं, तो आप इसकी शक्ल देखिए, इधर से तो भुना लग रहा है, तो दोनों तरफ से भी कर सकते हैं, पर मेरे को इससे भी तसल्ली जाती है टेस्ट में। दोनों तरफ से और अच्छा लगता है। मेरे को जैसा आइडिया दिखाना था कि आप लोग ट्राई करना चाहो तो कर सकते हैं। तो कभी कभी चाय के साथ मन करता नमकीन खाओ, और फ्राइड भी मन नहीं होता कुछ, तो ये बढ़िया आता है। थिन इन पापड़ मैंने दोनों तरफ से तेल लगा के किया, और ये तो खा के देखती हूँ क्योंकि मैंने इसको ट्राई नहीं किया है।
दोनों तरफ तेल ला के ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लग रहा है। चाय बनाने का भी मेरा अपना ही अंदाज है, वो भी दिखाती हूँ। चाय के कप में जिसने भी चाय बनानी है उसमें थोड़ा दूध डालती हूँ, टी बैग डालती हूँ, और अभी तक तो इलायची पीसी हुई रखी हुई थी वो डाली थी। अभी कल से मैंने नया किया है, ये तुलसी है, तुलसी ड्राई तुलसी का पैकेट आता है, तो वो बहुत अच्छी लग रही है मेरे को फॉर ए चेंज। तो इसको ऐसी क्रश, इसको पीस लूँगी वैसे मैं, अभी तो ऐसे हाथ से कर देती हूँ ये करके। और फिर मेरी माइक्रोवेव में जाता है ये, और इसको 40 सेकंड्स के लिए, 40 सेकंड्स के लिए मैं इसको गर्म करूँगी, तो वो दूध और पत्ती थोड़ा सा अच्छी स्ट्रांग हो जाएगी, और उसके बाद केटल से पानी मिला दूंगी मैं। सो जस्ट 40 सेकंड्स के लिए करूंगी। सो 40 सेकंड्स हो गए, तो थोड़ा सा रंग आ गया। कभी कभी मैं 20 और करती हूँ, आज नहीं कर रही, मेरे को स्कूल भी जाना है, और ये गर्म पानी हॉट वाटर केटल में, तो जस्ट आधा एक बैग में मैं बस आधा ही बनाती हूँ, नहीं तो 2 बैग डालती हूँ स्ट्रॉन्ग करनी होती है तो। और इसको बस चम्मच से अभी और स्क्वीज कर लूँगी, और ये मेरी चाय होगी। ये मेरी चाय हो गई, धूप पड़ रही तो लाइट लग रहा है, पर ठीक कलर है, स्ट्रॉन्ग नहीं है बहुत, बट बुरी भी नहीं है। सो चाय एंड वाई का अच्छा ब्रेकफास्ट हो गया, अभी ना बिना नहाए खाया है। मैं सब तरह के बहुत अच्छी भी काम करती हूँ तो फिर ऐसे भी करती हूँ, खाकर किचन समेट कर नहा कर फिर जाऊँगी। इस वीकेंड तो लगता है सारे जहाँ की पकौड़ियाँ बन रही हैं, आज मूंग की दाल की पकौड़ी बन रही हैं। कल से इसकी तैयारी चल रही है, 2 बार बाहर निकाला, दोनों बार फ्रिज में वापस, अब जाके मुहूर्त निकला है, तो वही मूंग की दाल भिगो के जैसे करते हैं। और मेरी मम्मी जो है जैसे वही ना जैसा सीखते हैं अपनी माँ से या फिर बाहर से, सो वो पतला पतला आलू काट के छोटा छोटा कच्चा आलू और हरी मिर्च नमक नेचुरली, और बस फ्राई कर देंगे। करारी बनती है खूब, इसका टेस्ट अलग होता है बेसन से, आप सबने खाया ही होगा। और हॉट पे तेल गरम कर लिया, उसके बाद मीडियम पर तेल गरम करने के बाद फिर मैं थोड़ी देर रुका ताकि टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल पे आ जाए, उसके बाद डाले, क्योंकि तेज़ में डाले थे तो वो थोड़े जल सा गया था, और ये थोड़ा स्टिक होती है, हो जाती है दाल, पर डरने की बात नहीं है। तो वही है धीमी आंच पे, और आलू है अंदर इसके, तो मैं एक हाथ से कर रही ना इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम दिख रही है, या मेरे पैन को मत देखना क्योंकि मैं अपने हिसाब से जैसे मैं था मिनिमम पॉट्स के साथ काम करती हूँ मैं। सो फ्राई पैन से छलकने का रहता है, जस्ट मैंने सोचा इस पे ट्राई करती हूँ, सो इट वर्क्स फॉर मी। तुम्हारे पास तो फ्राई पैन होगा, और ये बनी हुई हैं। सो आलू को देखें ऐसे ट्राई करके, गैस गल गया है, दबा के देखा, खा के देखो, यम यम, बेसन से डिफरेंट। करारी करारी मूंग की दाल की आलू की पकौड़ी, एक इंतजार करूंगी तो ठंडी हो जाएगी, तो एक बार तो बिना चाय की खाई जाए। आज तो पता है क्या स्नैक डे हुआ है मेरा, लंच भी हो लगता है डिनर भी, गुड। सही, जब कोई ऐसे दिखाता ना मन कर जाता बनाने का, आप देखना आप लोग कहेंगे हाँ अब हम ये बनाएंगे, जैसे मैं कहती हूँ। ओके भाई अब बंद करती हूँ, बहुत खाना पीना हो गया।